रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की पहली सूची जारी होते ही हरियाणा में कई जगहों पर भाजपा की ओर से जारी की गई इस सूची का विरोध दिखना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में गढ़ी सांपला किलोई हलके में भी बगावत के सुर उठ गए हैं। गढ़ी सांपला किलोई हलके के सरपंच, ब्लॉक अध्यक्ष और पार्षद ओबीसी समाज के अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए भाजपा नेता रमेश बोहर के निवास स्थान पर पहुंचे। ओबीसी समाज का कहना है कि भाजपा ने ओबीसी समाज को अनदेखा करने का काम किया है। ओबीसी समाज के साथ विश्वासघात करना भाजपा को महंगा पड़ेगा। आज सैकड़ों की संख्या में ओबीसी समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर एक 15 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। इस कमेटी को दो दिन के अंदर कोई ठोस निर्णय लेने की बात कही है। वहीं ओबीसी समाज के भाजपा नेता रमेश बोहर को टिकट न देने पर ओबीसी समाज ने भाजपा के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। रोहतक से हमारे संवाददाता विकास ओहल्याण की रिपोर्ट। सुरजीत जसिया, मैं पिछले 25 साल से पार्टी का कार्यकर्ता हूं। आज जो ये मीटिंग हुई, ये पुराने कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग थी और जो पार्टी ने निर्णय लिया, मैं शीर्ष नेतृत्व से अपील करूंगा कि इस पर पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई। 20 साल से, 25 साल से हमारे जैसे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और वो 2 साल से पार्टी में आए हुए को टिकट दे दी, जो कि सरासर अनदेखी, और इसका नुकसान पूरे हरियाणा में देखने को मिलेगा। तो आप भी काफी पुराने कार्यकर्ता हैं, 20-25 साल से आप हैं, दूसरे भी कई हैं, भगदड़ पार्टी में मची हुई, क्यों, ऐसा क्या कारण? देखिए, पार्टी ने विचार किया था और ये कहा था कि पुराने कार्यकर्ताओं को अब की बार तवज्जो दी जाएगी, विशेषकर युवा चरण में। अब मुझे तो लग रही ना, कहीं 67 में से ये कोई पुराने कार्यकर्ता को टिकट दियो। अलग अलग पार्टियों से आए हुए हैं, तो 2 साल से कोई, 1 साल से कोई, 2 दिन से आया, उनको टिकटें दी। तो हल्का कलोई में नहीं, बाकी जगह ही बहुत रोष है। और आज ये मीटिंग हुई, हम सब पुराने साथी हैं, रमेश भाई है, मैं हूँ, राजेश है, और भी बहुत सारे सरपंच आए हुए थे, जिला परिषद के अपने पार्षद आए हुए थे और अपना नगर परिषद के चेयरमैन आए हुए थे, सरपंच थे 7-8, सभी ने यही निर्णय लिया है कि बैठ के जो ये पार्टी का निर्णय है, हम उसके खिलाफ हैं और इसका कहीं ना कहीं नुकसान हल्के में देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं निर्दलीय उठाने की तैयारी है? अभी विचार करेंगे। सारे समाज के लोग थे और सभी पार्टी के पुराने साथी थे, आए हुए हैं, तो 2 दिन का समय मांगा, उसमें विचार करने के बाद देखेंगे। पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने की बात कर रही है, जिस तरह के बगावती सुर हैं भाजपा नेताओं के, पूर्व मंत्रियों के, विधायकों के, कैसे बनेगी आप लोगों की सरकार? देखिए, अभी तो विरोध तो हर पार्टी में होता है, लेकिन तकलीफ तो होती है, जो पुराने कार्यकर्ता उसको टिकट ना मिले तो तकलीफ तो होती है। गुस्सा बिल्कुल जायज है। 25-25 साल से पार्टी के जय बोल रहे, झंडा ठारे, कुर्सियां बिछारे, मैच बिछारे, दरी बिछारे, हम तो सामान्य कार्यकर्ता, मैंने तो कभी कभी डिमांड नहीं की, लेकिन इच्छा सबकी होती है, जो राजनीति में होता है उसकी सबकी इच्छा होती है। चुनाव बिल्कुल 100% गलत, 101% बिल्कुल गलत है। हालात ये हैं, पिछली बार 40,000 वोट आई थी, मुझे नहीं लगता आधी भी बची, उससे भी कम वोट है। हम कड़ी सापला कलोई विधानसभा की प्रबल दावेदार थे और सर्वे में भी 6 सर्वे हुए थे, उनमें से 5 सर्वे में मेरा सबसे ऊपर नाम था, और किस कारणवश टिकट कटी है हमारी ये तो नहीं जानता, पर हमारे बैकवर्ड समाज में, ओबीसी समाज में बहुत ज़्यादा रोष है और वो जंग जंग जाहिर भी कर रही है। और आज इसी टिकट बंटवारे को लेकर और ओबीसी समाज के अनदेखी को लेकर आपके सामने यहाँ हजारों आदमी इकट्ठा हुए थे और उन्होंने एक कमेटी बना के और आगे की रणनीति बनाने का काम किया है, और मैंने उनसे कहा कि आप 2 दिन रुकिए और 2 दिन में उनका जो फैसला हुआ मेरे को मान्य हुआ। कहीं ना कहीं जो है अनदेखी आपको खैर में हुई है, क्या लगता है कि आने वाले समय में कुछ जो है ओबीसी समाज के लिए? देखिए, आज हजारों कार्यकर्ताओं ने आवाज उठाई है कि जो बची हुई सीटें हैं उन पर ओबीसी समाज की दावेदारी पेश भी कर चुके हैं और ओबीसी समाज को उनका हक भी है और उनको वो मिलना चाहिए। आप प्रदेश का नेतृत्व करते हैं, ओबीसी समाज का अध्यक्ष हैं, वही कुछ किसान के भी अध्यक्ष हैं, विनेश फोगाट को भी टिकट मिली है जी। मुझे वो तो पहले ही पता था हमारे को कि ये कांग्रेस का षड्यंत्र है, नेताजी ने पहले ही बता दिया था कि ये कांग्रेस की चाल है सारी, और अब ये जगजाहिर हो गया है कि ये सारा षड्यंत्र कांग्रेस का किया हुआ था।
अच्छा, इस बार का कैसा रहा टिकट बंटवारा, क्योंकि परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पर लगाते हैं आप लोग और पांच परिवार के दो बच्चों को जो है टिकट दिए इस बार लिस्ट में? देखिए, हमारे को भारतीय जनता पार्टी ने यही सिखाया है कि परिवारवाद से दूर रहना है, पर अब क्या हुआ कि रणनीति में उनकी में फेरबदल हो गया और इसी फेरबदल के साथ जो है ओबीसी समाज में बहुत रोष है और मैं अपनी पार्टी को कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी जो डेंट हुआ है इसको पूरा कर लिया जाए, अन्यथा कबाड़ होने में समय नहीं लगेगा। आपने कहा कि पार्टी को काफी नुकसान होगा अगर इस तरह से अगर टिकटों का बंटवारा हुआ। बिल्कुल नुकसान होगा। अब हम अपने शिशु नेतृत्व में बात की है, अब किसी को पता नहीं कि टिकट बंटवारा कैसे हुआ है, टिकट बांटी किसने, वो कोई किसी का नाम ले देता, कोई किसी का नाम ले देता है। आप करेंगे टिकट वितरण में ओबीसी के अंदर की? जी, लेकिन बीजेपी का दावा कर रही है कि लगभग 14 सीटें उन्होंने इस वर्ग को दिए। देखिए, 14 सीटें आप यादव समाज को अगर लगाते हो, हमारे भाई हुए, हमारे भाई गुर्जर समाज से भी हैं, 5-5 सीटें उनको दे रखी हैं। एक बाकी अगर ओबीसी की, असली ओबीसी की बात करें तो मात्र 4 सीटों पे बीजेपी पार्टी हमारी जो है ओबीसी समाज सिमट गया है। ओबीसी समाज एक प्रजापत समाज को दे रखी है, एक कश्यप समाज को दे रखी है, एक कंबोज समाज को दे रखी है और एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, 34 सीट इनकी है। अच्छा, कितना नुकसान मानते हैं अगर टिकट का? देखिए, नुकसान तो भी अब भी भरपाई हो सकती है और मैं यही शीर्ष नेतृत्व को कहना चाहता हूँ कि जो ये डेंट है इसको तुरंत प्रभाव से ठीक कर लिया जाए। और मैं अपनी पार्टी को, एक नायब सिंह सैनी माननीय मुख्यमंत्री जब से आए हैं, एक ओबीसी समाज में एक अलग सी लहर थी और हम चाहते हैं कि वो लहर बनी रहे। और मैं अपनी पार्टी से ये भी बताना चाहता हूँ कि जो ये 4 सीटें हैं ये लगातार चेहरा बदली हुआ है, पर ये लगातार कंटिन्यू ये 4 जो कैंडिडेट हैं ये तो आते ही रहते हैं। और मैं अपनी पार्टी से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी ओबीसी समाज का कोई ऐसा लीडर, ऐसा लड़का निकाले जो कि मजबूत हो और हम आने वाले समय में ये कह सकते हैं सके कि भाई बीजेपी की ओबीसी मुख्यमंत्री आया था, उन्होंने ये पुराना पुराना नेता के निकाल दिया। ये 2-4 नेता तो ऐसे निकाल लेते हैं जिसपे ये हो सके कि 2024 के चुनाव में ये नेता बीजेपी ने ओबीसी समाज के आगे किए थे। रमेश जी, प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो भी ओबीसी समाज से है जी, देश का जो प्रधानमंत्री है वो भी ओबीसी समाज से है जी, नाराजगी कैसे? देखिए, नाराजगी सीटों के लेके है। अभी हाथी के पैर में सबका पैर है, हम जानते हैं, ये कहावत भी सुनी है, हरियाणा में प्रचलित भी है, पर ये चाहते हैं कि हरियाणा ओबीसी ऊपर भी सरकार, नीचे भी सरकार, और हमारे ओबीसी समाज के और नए लीडर पैदा किए जा सके जो आने वाले भविष्य में ओबीसी समाज की आवाज उठा सके। हरियाणा में कितने मांग की सीटें आप लोग, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं ओबीसी समाज के? हम तो ये चाह रहे हैं कि जातीय जनगणना के हिसाब से हमारे को कम से कम 25 सीट तो कम से कम दी जानी चाहिए, क्योंकि अगर बीजेपी पार्टी कभी भी सत्ता में आई है बगैर ओबीसी समाज की, और सत्ता में नहीं आई है, तन मन धन से पूर्णतः समर्पित हो गए ओबीसी समाज ने बीजेपी का साथ दिया। आप जिस तरह से दावेदारी करते थे, अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो क्या आप निर्णय लड़े? देखिए, अभी मैंने बताया कि हजारों कार्यकर्ता हमारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने कमेटी बनाई है और मैंने उनसे हाथ जोड़ कर 2 दिन का समय मांगा है। 2 दिन में जैसा कमेटी तय करेगी मैं उनके विश्वास पर 100% खड़ा उतरूंगा। कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होगा अगर आप जो, तो मैंने बताया है कि मैं अपनी पार्टी से बार बार कह रहा हूँ, आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ कि जो ओबीसी समाज में डेंट है उसको तुरंत प्रभाव से ठीक किया जा सके। कहीं ना कहीं कांग्रेस भी जो है तवज्जो दे रही है ओबीसी समाज को लेकर। देखिए, उनकी तो मजबूरी है, उन्होंने कुछ किया ही नहीं बीजेपी के लिए, क्योंकि एक ऐसा लीडर बता दीजिए ओबीसी में, नहीं जर्नल में, एससी में कोई ऐसा लीडर बता दीजिए जो हरियाणा में जूब रहा हो, चाहे कुमारी शैलजा हो या अपना अशोक तंवर हो, कितने ही लीडर बता दीजिए, बैकवर्ड में तो कोई आज तक उन्होंने लीडर बनाया ही नहीं, क्योंकि उनको पता है अगर बैकवर्ड का, अगर ओबीसी समाज का कोई लीडर बना दिया तो सब ओबीसी समाज को अपना लीडर मान लेंगे उसको, और वो फिर कहीं ना कहीं ये जो सत्ताधारी जो ये पिछली सरकार रही है उन पर काबिज हो जाते हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।